वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। जेमिनाइज, ये आपकी मई की और अप्रैल की बोनस जनरल रीडिंग है। और जनरल रीडिंग में हम क्या करते हैं, जनरल रीडिंग में जो प्रेडिक्शंस आती हैं वो आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है, जैसे आपका करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हमें मैसेजेस मिल सकते हैं। हम देखेंगे कि अप्रैल और मई में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं और कैसा आप फील कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उन सारे इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए एंड में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनाइज, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। ओके, तो पहला है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स और सेवन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल जेमिनाई हैं चाहे आप फीमेल जेमिनाई हैं, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है और आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप लड़ भी रहे हैं अपने लिए, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे कुछ फाइट दिख रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि इट्स यू वर्सेस द वर्ल्ड जेमिनाई। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको चीज़ों के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको लड़ना पड़ता है, आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए लड़ना पड़ता है, आपको आपके हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो अप्रैल के कुछ दिन आप वैसे बहुत ही ज़्यादा अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं। आपका पावर क्या है, आपका नॉलेज आपका पावर है, आपकी इंटेलिजेंस आपका पावर है और आपका कॉन्फिडेंस आपका पावर है, आपका कम्युनिकेशन आपका पावर है। आप पावर को यूज़ कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी फील कर रहे हो, बट आपको कमिंग डेज में ऐसा लग सकता है कि मुझे हर चीज़ के लिए फ़ाइट करना पड़ता है और आपको ऐसा लग सकता है कि दुनिया आपके अगेंस्ट है या फिर लोग आपके अगेंस्ट हैं या फिर हमेशा आपको खुद को डिफेंड करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आप लड़ते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल भी करते हुए दिख रहे हैं, बट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन से आप कर रहे हो पावर में स्टैंड करके अपने। तो आपको कुछ दिन कमिंग डेज में ऐसे जा सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मुझे लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, एंड इट्स ओके। हाँ, आप स्ट्रगल करके भी सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। यस, किसी चीज़ की फ़ाइट यहाँ पे ज़्यादा है, किसी हक के लिए फ़ाइट है, किसी ना किसी चीज़ के लिए फ़ाइट है यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे सिक्स ऑफ वांड्स आया है। सी, इस फाइट में आप जीत रहे हैं, आपकी सक्सेस हो रही है। यस, तो ओके, क्लियरली ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं, फॉर से आप अपनी मेंटल हेल्थ से फाइट कर रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ से फाइट कर रहे हैं, ऑफिस में अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर पे अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी, हो चुके हैं आप सक्सेसफुल, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, फाइट ख़त्म हो चुकी है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं फाइट इज़ ओवर और लाइफ बहुत ही बैलेंस में आते हुए दिख रही है, यू नो। तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस बताते हैं कि लाइफ में आप बैलेंस्ड फील कर रहे हो एक पॉइंट पे आके कि हाँ लाइफ ठीक है, लाइफ अच्छी है, सब ठीक चल रहा है। तो ये सब ठीक चल रहा है वाली एनर्जी में आप आ गए हो, फिर ऐसा समझ में आ रहा है। और टेम्परेंस और सिक्स ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई छोटी या बड़ी सक्सेस एक्सपीरियंस करने को मिले, जैसे आपका इंक्रीमेंट होना, आपका प्रमोशन होना, या फिर किसी जॉब में आपका सिलेक्शन होना, किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होना, बोनस मिलना, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी सक्सेस आप करियर में एक्सपीरियंस करेंगे और इस सक्सेस के बाद आपको लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखेगा कि ओके लाइफ इज़ गुड, यू नो, ऐसी फीलिंग आएगी। उसके बाद यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल है और जस्टिस है, एक और ऐसा कार्ड जो कि बता रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस मिलना मतलब क्या होता है, कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है, एनर्जीज बैलेंस में आ रही हैं। और जस्टिस को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत की है तो
तो वहाँ पे हमें यू नो सक्सेस मिल रही है। जस्टिस ये भी हो सकता है कि हमने बहुत पढ़ाई की है और हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए, ये भी आपके लिए एक जस्टिस की ही तरह है। या फिर आपने अगर किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो यू नो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं और लाइफ आपको बैलेंस्ड लग रही है, तो काफ़ी बैलेंस्ड आप महसूस करेंगे आगे कमिंग डेज़ में। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल भी है। नाइन ऑफ पेंटिकल आपकी इंडिविजुअलिटी के बारे में बताता है जेमिनाइज। आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं अपने करियर पे, अपने आप पे, सेल्फ लव पे, पैसे कमाने पे, किसी ना किसी चीज़ पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। ज़्यादा फोकस खुद पे है, ज़्यादा फोकस अपनी लाइफ पे है और यहाँ पे आप एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए दिख रहे हैं कमिंग डेज में। सो काफ़ी न्यूट्रल से कार्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है फाइनली कोई फाइट आपकी ख़त्म हो रही है, किसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, कुछ चाहते थे आप, उसके लिए फ़ाइट ख़त्म हो रही है। उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स और एस ऑफ पेंटिकल किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए क्यूरियस होना बताता है। सो बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट्स ये आपकी क्यूरोसिटी है, ये आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। और किस चीज़ में इंटरेस्ट है? एस ऑफ पेंटिकल में। एंड वॉट इज़ एस ऑफ पेंटिकल? एस ऑफ पेंटिकल कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में, स्पेशली एस ऑफ पेंटिकल या तो कोई फैमिली से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है यू नो, या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। बिकॉज पेंटिकल हमेशा अर्दी थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सोसाइटी के रिलेशनशिप्स। अब सोसाइटी के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, जैसे अर्दी थिंग्स क्या होती है, जैसे मैरिज होती है या फिर जॉब, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो आपको कोई इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये बस एक अपॉर्चुनिटी है, ये अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिल गया है, ये कोई आपको ऑफर कर रहा है या फिर आपको दिख रहा है कि यस ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। और कमिंग डेज में आप इस अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई जॉब ऑफर दिख जाए, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिख जाए, कोई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी दिख जाए और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हों कि ओके ये अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या स्कोप है इस पर्टिकुलर चीज़ में, आगे क्या हो सकता है फ्यूचर अगर ये चीज़ हमें मिल गई तो। तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपकी उस डायरेक्शन में जा रही है जेमिनाइज, दिस इज़ आल्सो गुड। उसके बाद है यहाँ पे हैंगमैन और है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे हैंगमैन दिख रहा है और किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी स्टक हैं, चीज़ें बहुत ही स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही हैं आपकी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। मतलब कि जिस तरीके से आप स्पीड में किसी चीज़ में ग्रोथ चाहते हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें वैसे आगे नहीं बढ़ रही जैसे मैंने सोचा था, ये काम मेरा जल्दी से नहीं हो रहा है। और अगेन ये काम आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, करियर से आपका वीज़ा लगना, कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना, किसी एम्प्लॉयमेंट का वेट करना और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल वैसे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। तो आपको हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में जो अर्थ साइन हो और आपको ऐसा लगे कि इस पर्सन के साथ में चीज़ें थोड़ी सी फंस गई हैं, या फिर ये आपके करियर में भी हो सकता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम कार्ड्स हमने आपके मंथली रीडिंग में भी देखे थे। अगर आपने अपनी अप्रैल की मंथली रीडिंग नहीं देखी है तो मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगी, बट आई थिंक ये सेम कार्ड्स मैंने उस टाइम भी देखे थे कि कुछ रुका हुआ है कुछ पेंटिकल से रिलेटेड। तो आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी किसी पर्सन के साथ में स्टक है जो अर्थ साइन है या फिर ये करियर से रिलेटेड है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी एस ऑफ पेंटिकल की, तो हो सकता है आप ये अपॉर्चुनिटी चाहते हों, बट इस अपॉर्चुनिटी के आपके हाथ में आने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई काम अटका है करियर का तो वो चीज़ होगी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, ये आपके फेवर में जाएगी बट थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो डिले के लिए प्रिपेयर्ड रहें। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी। आप एक एक्सप्लोरर की एनर्जी में दिख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में दिख रहे हो और
एक्सप्लोरर की एनर्जी क्या होती है, मतलब आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, शायद आप कहीं घूमने जा रहे हो कमिंग डेज में, शायद आप नए नए कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आप अपने होराइजन्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल के फॉर्म में हो, चाहे वो करियर के फॉर्म में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के फॉर्म में हो। तो थोड़ा सा आपके होराइजन्स बढ़ेंगे कमिंग डेज में, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आप, या फिर नए डायरेक्शन में सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे थोड़ा सा। और इन सम केसेस किंग ऑफ वांड्स किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो हो सकता है कि कोई फायर साइन हो आपकी लाइफ में, बट ये चीज़ जो भी हो, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा टाइम लेके आ रही है, बहुत ही होपफुल और जॉयफुल टाइम लेके आ रही है। तो अगर आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू लव इट, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको नई नई चीज़ों में। अगर ये कोई पर्सन है तो अगेन आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं और जॉयफुल दिख रहे हैं। तो एक एक्सप्लोरर की एनर्जी में आप दिख रहे हैं मोस्ट ऑफ यू जेमिनी, और आपको अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ सिचुएशन खड़ी हो सकती है आपकी लाइफ में जहाँ पे अगेन आपको ऐसी फीलिंग आए कि लोग आपको, आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, या फिर लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपको इरिटेट करते हैं, आपकी लोग लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो आपका टॉक्सिक बॉस हो, या फिर टॉक्सिक रिलेटिव्स हो, या फिर टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स हो, और आपको हमेशा लगता है कि हमेशा आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अगेन डिफेंड करने वाली एनर्जी है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस थिंग, कि मेरा बॉस मुझे हमेशा ही परेशान करता रहता है, आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस थिंग कि वो जो मेरे रिलेशन में आंटी हैं वो हमेशा मुझे इरिटेट करती रहती हैं। तो समहाउ सम पीपल आर मेकिंग यू फील बैड, और आप बहुत ही ख़राब फील करने वाले हैं इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे फोर ऑफ कप्स दिख रहा है, फोर ऑफ कप्स बता रहे कि यस, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो लाइफ में चल रही हैं, बट फोर ऑफ कप्स आपको ये भी बताता है कि अगर आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं, दोनों चीज़ें हैं। अगर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं तो लाइफ में कुछ अच्छे लोग भी हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं जेमिनाइज। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमेशा लाइफ में ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपसे शायद से एनवियस होंगे, जेलस होंगे, या फिर जिनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, जो जानबूझ के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहेंगे, जानबूझ के आपको ट्रिगर करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि इट्स ऑन यू कि आप अपना फोकस किन लोगों पे लगाना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी ख़राब चीज़ें होती हैं, इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, इट्स ऑन अस कि हम किस पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फाइव ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप्स, आई लव दिस बिकॉज फाइव ऑफ पेंटिकल बहुत ही आइसोलेशन का पीरियड बताता है, अकेलापन फील करना मेंटली या फिजिकली। सो फाइव ऑफ कप्स बताता है कि थोड़ा सा अकेलापन फील करना मेंटली या फिजिकली। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हुए रहते हैं, फिर भी हमें फील होता है कि देर इज़ नो वन जो हमें समझ पाए, देर इज़ नो वन जो हमें अंडरस्टैंड कर पाए। तो फाइव ऑफ पेंटिकल कभी ऐसी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है, कभी कभी ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी नहीं है जिससे मिलने जाएं, बातें करें, और ये एक्चुअल फिजिकल लोनलीनेस को बताती है। बट जो भी हो, यहाँ पे आप बेसिकली अपनी लाइफ की लोनलीनेस ओ माय गॉड आई एम फंबलिंग आई एम सॉरी, आप अपनी लाइफ की लोनलीनेस से निकल रहे हैं और किसी सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे फन है, यहाँ पे जॉय है, और सब कुछ दिख रहा है। तो अगर इफ़ यू आर समवन, अगर आप वो जेमिनी, बिकॉज यू हैव टू कीप दिस इन माइंड के उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितनों से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, जिन्हें जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। ओके, आई एम फंबलिंग अ लॉट टुडे, सो बेयर विद मी। सो यहाँ पे आपको ऐसा जो लोनलीनेस है, इस लोनलीनेस से निकल रहे हैं आप, और बेसिकली थ्री ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं।
जहाँ पे ज़्यादा फुलफिलिंग टाइम अपने लोगों के साथ आप बिता रहे हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स या रिलेशनशिप में। तो फन है यहाँ पे और इन्जॉयमेंट है यहाँ पे और अच्छा टाइम है यहाँ पे। उसके बाद एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। दोनों एसेज ये बताते हैं कि लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी है हमारे। ओके अब दोनों एसेज के साइड में सेम कार्ड्स आए हैं या नो? तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को लेके क्यूरियस लग रहे थे, यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी है बट उसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी लेना है कि नहीं लेना है, इस डायरेक्शन में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इस कनेक्शन में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो किसी न्यू बिगनिंग या किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हैं और थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको डिसाइड करने में कि ये चीज़ आपके लिए सही है या फिर सही नहीं है। तो कुछ अपॉर्चुनिटी है या न्यू बिगनिंग है जो आपकी लाइफ में रुकी हुई है, थोड़ा सा स्टक रहेगी ये एनर्जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये समझने में कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं है, बट कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके उसके बाद यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके घर के कोई बड़े इंसान, आपके फादर फिगर, आपके मदर फिगर, आपके बॉस या फिर कोई आपका मेंटोर, कोई इंसान जो आपसे ओहदे में बड़ा है, पोजीशन में या फिर एज में बड़ा है, इस पर्सन की वजह से आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं जेमिनाइज। आपको ऐसा लग सकता है कि नो मैटर व्हाट आई डू, मैं कुछ भी करूं लाइफ में, मेरे फादर मुझसे कभी खुश नहीं होते या मेरी मदर मुझसे कभी खुश नहीं होती या फिर मेरा बॉस मुझसे कभी खुश नहीं होता या फिर जो भी इंसान है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है कि आप किसी का वैलिडेशन सीक कर रहे हैं अपनी लाइफ में बट वो वैलिडेशन आपको नहीं मिल रहा है। आप खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, बट आई थिंक आपको वो प्रेज़ नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह से, चाहे ये वर्क हो चाहे ये पर्सनल लाइफ हो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ बट इस इंसान को कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मैं कुछ भी अचीव कर लूँ ये पर्सन मुझे कभी वैलिडेट नहीं करता है। तो आप थोड़ा सा ये फील कर सकते हैं एंड इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको समझे। तो कम आउट ऑफ दिस। उसके बाद यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर किसी पर्सन से झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में, जॉब में, घर में, ये पर्सन आपसे सॉरी बोलेगा, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे कुछ कुछ झगड़े या इश्यूज़ तो चल रहे हैं, तो देर इज़ अ चांस कि जो पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था वही पर्सन आपको आके सॉरी बोले। यहाँ पे स्ट्रांग कोई आपसे फॉरगिवनेस मांग रहा है जेमिनाइज। ओके उसके बाद सेवन ऑफ कप्स है और फोर ऑफ सॉर्ड्स है, फोर ऑफ वांस है, आई एम सॉरी, फोर ऑफ वांस अगेन कुछ सेलिब्रेट करना लाइफ में बताता है, सेलिब्रेशन। इतना मिक्स्ड टाइम दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ, इतना मिक्स्ड टाइम दिख रहा है। इट्स लाइक कि 4 दिन आप बहुत अच्छा फील करो, 2 दिन आप खराब फील करो, फिर आप बहुत अच्छा फील करो, फिर कुछ अच्छा हो रहा है, फिर आप अच्छा फील करो, फिर आप खराब फील करो। ओ माई गॉड, रोलर कोस्टर रहने वाले हैं आपके कमिंग डेज। तो यस यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है और फोर ऑफ वांस की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स बताता है कि आप लाइफ में चूज कर रहे हैं कि आपको क्या करना है और आपके जो लाइफ की चॉइसेस हैं वही आपकी लाइफ में कोई सक्सेस या सेलिब्रेशन भी लेके आ रही हैं। तो आप कुछ चूज करेंगे और आपकी चॉइसेस आपके लिए सक्सेस लेके आएगी। तो आप कुछ चूज़ करते हुए दिख रहे हैं कि ओके मुझे ये जॉब करना है, ओके मुझे इस रास्ते पे जाना है, ओके मुझे ये काम ट्राई करना है, और जो भी चीज़ आप चूज़ करें वो आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और द हर्मिट है। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको अगेन किसी टाइप का ऑफर मिल रहा है और ये वही ऑफर है जो हमने यहाँ पे देखा था। ये एस ऑफ पेंटिकल है या आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल है। आप जिस पर्सन को ऑफर दे रहे हैं वो पर्सन शायद से अभी इस ऑफर के लिए पूरे तरीके से रेडी ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी को ऑफर दे रहे हैं। हो सकता है पर्सन पूरे तरीके से रेडी ना हो, और ऐसा नहीं है कि ये आपकी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके
तो अगर आप किसी को ऑफर कुछ देना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑफर हो, कोलैबोरेशन का ऑफर हो, रिलेशनशिप का ऑफर हो, फ्रेंडशिप का ऑफर हो, या किसी और चीज़ का हो, टेक इट वेरी स्लो. जितना आप स्लो लेके चलेंगे इस चीज़ को, उतना ज़्यादा ये चीज़ सक्सेसफुल होगी. अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं, किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, अगर आप अचानक से उसे दे देंगे तो वो पर्सन शायद से थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील करे. तो टेक इट स्लो एंड टेक योर टाइम. ओके, नाउ हम थोड़ी सी इंडिविजुअल एनर्जीज निकालेंगे आपकी कमिंग डेज की, कि और क्या इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और क्या चीज़ें हो रही है. बिकॉज इस डेक से यू नो मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, और जब भी मैसेजेस रिपीट होते हैं दैट मीन्स कि हमें डेक अब चेंज करना है. द हाई प्रीस्टेस सबसे पहले ये बता रहा है कि लाइफ में थोड़ी सी मिस्ट्री है अभी, थोड़ी सी लाइफ मिस्टीरियस है, लाइफ के कुछ एस्पेक्ट से रिलेटेड. हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी पूरे तरीके से नहीं मिले. अप्रैल, ओ माय गॉड, अप्रैल और मई के महीने में हो सकता है आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिले किसी चीज़ की, बिकॉज आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट है जो कि मिस्टीरियस लग रहा है. तो हो सकता है कि आप अभी करियर के लिए वरीड हो कि करियर का फ्यूचर क्या होगा, पैसों का फ्यूचर क्या होगा, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा. इसके जवाब आपको मिलेंगे, बट इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे जितना जल्दी आप चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो अगर लाइफ किसी चीज़ को डिले कर रही है, लाइफ किसी चीज़ के लिए देर लगा रही है, आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो इट्स ओके. ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे. हाई प्रीस्टेस मिस्ट्री को बोलते हैं, यू नो, बट ये मिस्ट्री आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं. तो इफ़ यू आर समवन जो मेडिटेशन करता है, इफ़ यू आर समवन जो यू नो सॉलिट्यूड में थोड़ा सा टाइम निकालता है, अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, यू नो, चाहे आप किसी भी डेटीज़ में मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, या फिर जो भी आप उस सुपर पावर को बोलते हैं, अगर आपका और उनका कनेक्शन स्ट्रांग है और आप वो डिवोशन फील कर पाते हैं, तो आपका इंट्यूशन आपको इस चीज़ का जवाब दे देगा. बट अगर आपका इंट्यूशन क्लियर नहीं है तो आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी मिस्टीरियस लगने वाली है. आपको लगने वाला है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसका आंसर मुझे मिल नहीं रहा है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है. उसके बाद में किंग ऑफ पेंटिकल है. क्वीन ऑफ पेंटिकल पहले भी आपकी लाइफ में दिखी थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल फिर से, किंग ऑफ पेंटिकल फिर से दिखा है. ये दो चीज़ों को डिपिक्ट करता है जेमिनी. पहली चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ में किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि. या तो आपका करियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है कमिंग डेज में. आप में से कई सारे लोग प्योरली करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप बिजी हो, आप अपना करियर बना रहे हो, इसीलिए एनर्जी है. उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी क्योंकि जब भी सॉर्ड्स आता है तो आपकी एनर्जी आती है, बट ये इस समय कम्युनिकेशन बता रहा है. तो किसी पर्सन से आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं. इट्स लाइक कि आप फैमिली में बैठे हो और आपने और आपकी फैमिली ने मिल के कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइड किया है. इसका मतलब ये है कि आप अपने जॉब में हैं और जॉब में कुछ सीरियस या इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने कहीं पे जा रहे हैं. मतलब एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा. तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, किसी से इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, कुछ इंटरेक्शन किसी से हो सकता है जो कि आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है. जस्टिस पहले भी आया था और जस्टिस अभी भी आया है. जस्टिस बार बार आना हमें बस ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं. ओके, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं डिज़र्व करती हूँ, यू नो, तो वो चीज़ एक बैलेंस आउट होगी आपकी लाइफ में. आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी. लाइफ में एक बैलेंस आपके क्रिएट हो रहा है. उसके बाद है सेवन ऑफ वांड्स. सेवन ऑफ वांड्स अगेन बहुत ही ज़्यादा खुद को डिफेंड करने की एनर्जी है. तो यस, थ्रू आउट मई, जू मई नहीं, अप्रैल और मई आपको ऐसा लग सकता है
कुछ लोग हैं जो आपको अपोज कर रहे हैं. ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में, एंड इट्स ओके, डोंट फोकस ऑन दिस. जितना इस पर फोकस करना ज़रूरी है उतना ही करिए. आई नो अगर ये सिचुएशन आपके कलीग्स के साथ में या बॉस के साथ में है तो आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा. हैंडल भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे कोई इंसान आपको अपोज कर रहा है, आके आपको कुछ बोल रहा है, आपकी बात को नहीं मान रहा है, आपका हक आपको नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा आपको माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे अगर आपको इस सिचुएशन में सक्सेसफुल होना है. तो जैसे कि इट्स मोर लाइक, ये एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि फॉर से आप अपनी जॉब में हैं और आपका बॉस आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है और बहुत ही टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट में हैं आप, और एक दिन आपका जॉब सॉरी एक दिन आपका बॉस आपके पास आता है और आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या चिल्लाता है, तो एक रिएक्शन ये हुआ उस टाइम पे कि आपको बहुत गुस्सा है उस पे कि ऐसे कैसे मेरे बॉस ने बोल दिया, ये तो मेरी इंसल्ट है, और आपने अपना पेपर डाल दिया, आपने रिज़ाइन कर दिया उसी दिन. एक ये रिएक्शन होता है. बट दिमाग से गेम खेलना, प्रैक्टिकल होना, थोड़ी सी श्रूडनेस दिखाना, ये होता है कि उस टाइम पे आप ये सोचें कि ओके, इस मेरे बॉस ने मुझ पे गुस्सा किया है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, मैं पहले अपने सेकंड ऑप्शंस देखूँगी, मैं दूसरी जगह पे अप्लाई करूँगी, मैं उसके बाद मैं नोटिस पीरियड दूँगी और इस जगह से मैं समझदारी के साथ निकलूँगी. ये क्या हुआ, ये एक प्रैक्टिकल रिएक्शन हुआ कि उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला बट मैं अपना बैकअप प्लान मैंने बनाना रेडी कर दिया. तो अगर आपको लोग अपोज कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो कोई भी इम्पल्सिव रिएक्शन या डिसीज़न नहीं लेना है आपको. थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ में इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है. ओके, आई टेक वन मोर कार्ड, मेरा बहुत मन कर रहा है. द लवर्स आया है. द लवर्स आपकी एनर्जी है बिकॉज द लवर्स कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है. और द लवर्स यहाँ पे दो रीज़न से आया है कि एक्चुअली हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करें, लव्ड फील करें, या फिर थोड़ा सा आयरॉनिक आपको लग सकता है. बट जब लवर्स आता है जनरल रीडिंग में तो हमारी किसी चीज़ से कमिटमेंट बताता है कि हमने कमिट किया है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करेंगे, या फिर आप कमिट कर रहे हो कि आप अपने करियर पे फोकस करोगे, या फिर आप कमिट कर रहे हो कि आप किसी एग्ज़ाम पे अपने फोकस करोगे. तो हो सकता है कुछ आप कमिटमेंट आप डिसाइड कर लें कि मुझे लाइफ में ये करना है और मैं अपना पूरा फोकस यही उस साइड ही रखूँगी. या तो ये अचानक से बहुत ज़्यादा फायर आपके अंदर आ सकता है, मोटिवेशन आपके अंदर आ सकता है, या फिर ये फायर और मोटिवेशन किसी रिलेशनशिप के कारण आपकी लाइफ में आ सकता है. ओके, अब चलिए यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं. ओके जेमिनाइज, लेट्स सी. ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे जेमिनाइज. आप बहुत ही आगे आ गए हैं अपनी लाइफ में और आपने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में. तो अपने आप को थोड़ा सा प्रेज करें. ओके, अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड फील करें. ये मत सोचें कि आगे और कितना जाना है. यस, चेज़ योर ड्रीम्स, बट आप जहाँ तक आ गए हो, जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी, जिस तरीके से आपने उन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है, जितने अब आप समझदार हो गए हो, जितने अब आप मैच्योर हो गए हो, अपने आप को प्रेस करिए, क्योंकि यूनिवर्स फॉर श्योर यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं. तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने लिए प्राउड फील करिए. ओके, इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल है, आप हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रेस करिए. ओके, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं. दूसरी चीज़, नाइन ऑफ ऑटम एज अ गाइडेंस जब आता है तो हमें ये बताता है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम अपनी इंडिविजुअलिटी में स्टैंड करें. पहले भी मैंने नाइन ऑफ पेंटिकल आपकी प्रेडिक्शन में देखा था, ये भी नाइन ऑफ पेंटिकल ही है, बट यहाँ पे गाइडेंस ये है कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी में स्टैंड करें. इंडिविजुअलिटी में स्टैंड करना ये होता है कि अभी किसी का सपोर्ट ना लें, अभी किसी से सपोर्ट मांगे भी नहीं, हेल्प भी नहीं मांगे, या फिर ये सपोर्ट और हेल्प मांगने के बारे में नहीं है. इट्स मोर लाइक कि आप अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकते हैं,
आप खुद काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इफ यू आर समवन, आई थिंक मुझे हेल्प वाली बात नहीं बोलनी थी क्योंकि हेल्प मांगने में कुछ गलत नहीं है। मैसेज थोड़ा इस तरीके से आ रहा है कि अगर अगर आप अकेले भी हैं अपनी लाइफ में तो भी आप काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो हमेशा आप अकेले नहीं रहेंगे, ये बस एक फेज़ है आपकी लाइफ का। तो इट्स ओके अगर बहुत सारी चीज़ें आपको अकेले करनी पड़ रही है, इट्स ओके कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या मेहनत करती हूँ बट फिर भी मैं अकेली हूँ, मुझसे अकेले हैंडल नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ मत सोचिए, आप अकेले हैंडल कर सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस, अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें और अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा शार्प करें, ये आपके लिए मैसेज है। ट्रस्ट करें, भरोसा रखें अपने इंट्यूशन पे, बट अपने इंट्यूशन को थोड़ा शार्प भी करें। देखिए इंट्यूशन को हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं फियर से। डर अलग चीज़ होती है, इंट्यूशन अलग चीज़ होती है। जो इंट्यूशन होता है वो डिवाइन की वॉइस होती है, यू नो इंट्यूशन आपका आपको गाइड करता है हमेशा, वो इनर गाइडेंस हमेशा हम में से हर एक के साथ में होती है। पर कई बार जब हमारा दिमाग ज़्यादा चलने लगता है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो वो इंट्यूशन हमें सुनाई नहीं देता, बिकॉज़ हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा बातें हम सोच रहे हैं दिमाग में, तो इंट्यूशन आ नहीं पा रहा है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और इंट्यूशन अपना अगर आप शार्प कर लेंगे ना, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, लाइफ में डिसीजन लेने में, लाइफ में आगे बढ़ने में, अगर आप स्टक हैं तो स्टकनेस से निकलने में। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि इंट्यूशन को शार्प करिए मेडिटेशन करके। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप एक ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है कि दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग डे बाय डे कम होने लगती है, ओवर थिंकिंग कम होने लगती है, और हम अपने प्योर डिवाइन एनर्जी में स्टैंड कर पाते हैं, जहाँ पे हमें इंट्यूशन हमारा बहुत ही लाउडली क्लियर क्लियर हमें समझ में आता है कि क्या डायरेक्शन दिखा रहे हैं यूनिवर्स। अब फियर और इंट्यूशन में क्या फ़र्क होता है? दिमाग की दो आवाज़ें होती हैं हमेशा, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। और ये ध्यान रखिए कि आपकी गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, वो जब एनर्जी आपको मैसेज देती है ना, तो वो मैसेज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, वो मैसेज बहुत ज़्यादा काम होता है, वो मैसेज बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। अगर आपके दिमाग ने ये बोला, अगर आपके दिमाग ने आपको डराने की कोशिश की, ये काम मत करो, अगर तुमने ये काम किया तो ऐसा हो जाएगा, ये कभी भी डिवाइन की वॉइस नहीं है, ये कभी भी इंट्यूशन की आपकी वॉइस नहीं है। इंट्यूशन अगर सेम चीज़ आपको बताने की कोशिश करेगा तो वो आपको डराएगा नहीं, आपका इंट्यूशन कभी आपको नहीं डराएगा, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर सेम चीज़ कोई रास्ता आपके लिए ख़राब है, तो सेम चीज़ यूनिवर्स आपको ऐसा बताएंगे कि ओके ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, इस रास्ते पे मत चलो, इस रास्ते पे चलो। ऐसे इंट्यूशन बहुत ही कामली, बहुत ही लविंग वे में आपका इंट्यूशन पॉजिटिविटी के साथ आपको गाइड करेगा। बट हम कई बार अपने फियर को अपने इंट्यूशन से कंबाइन कर लेते हैं। फियर क्या है? यार यहाँ नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये इंट्यूशन की आवाज़ नहीं है, ये आपका डर है अंदर का। ओके तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका इंट्यूशन शार्प होता जाएगा डे बाय डे। 4 दिन में नहीं होगा, एटलीस्ट 30 डेज करना पड़ेगा। ओके तो यस, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड देन वी हैव द ड्रीमर। एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ। आपकी लाइफ में जो भी पर्पस है, अपने पर्पस को फॉलो करें। क्या सोचा था आपने हमेशा से लाइफ में करने का, उस चीज़ को फॉलो करें। एक नए एडवेंचर पे जाएं, एक नई जर्नी पे जाएं, नई चीज़ों को ट्राई करने से घबराएं नहीं, चेंज से लाइफ में घबराएं नहीं, नई चीज़ों में इन्वेस्ट करने से घबराना नहीं है आपको, अपने ऊपर भरोसा रखें और कोई नया एडवेंचर लाइफ में शुरू करें। ओके उसके बाद में है, इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। अभी टाइम आ गया है कि आप अपने ड्रीम्स को चेस करना शुरू कर दें। डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर होराइजन्स। ये मैंने एक्सपैंड योर होराइजन्स आपका किंग ऑफ वांस से भी देखा था, बट डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर होराइजन्स, मतलब कि कुछ ऐसा करें अपने होराइजन के बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकले, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है। अब कंफर्ट जोन क्या होता है? मतलब ये सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं है। इफ़ यू आर समवन जो सिर्फ डेली 4 लोगों से बात करता है,
इफ़ यू आर समवन डेली सेम रूटीन फॉलो करता है, इफ़ यू आर समवन के लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो खुद को थोड़ा सा पुश करें, बाहर निकले अपने जोन से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लाइफ में बहुत सारी दुनिया है देखने के लिए, लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं चेस करने के लिए, हो सकता है बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हों। तो यहाँ पे बस मैसेज ये कि थोड़ा सा ना लाइफ में पैशन लेके आए और अपने जोन से बाहर निकले, बहुत कुछ है दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, स्पेशली अगर आप इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा देखता है पर अपने जोन से बाहर नहीं निकल रहा है, तो स्पेशली आपके लिए ये मैसेज है। यहाँ पे भी द ड्रीमर है और वही गाइडेंस आपको अपने ऊपर लेनी है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो। इट्स ओके अगर हमने 5 कार्ड्स निकाले और आपने 3 मैसेजेस से ही रिलेट किया है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। द मैजिशियन, आई लव इट, आपके आपके 3 मेजर अरकानाज आए हैं। यू कैन डू एनी थिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लें। यू कैन मैनिफेस्ट वॉट यू नीड टू बी एज अ सक्सेस। आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो येस, आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि डेस्टिनी पे हमेशा नहीं डिपेंड करना चाहिए, कभी कभी अपने खुद के पावर पे भी डिपेंड करना चाहिए, अपने मैनिफेस्टेशन के पावर पे डिपेंड हूँ। और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। और मैनिफेस्ट करना हम कैसे शुरू कर सकते हैं, अगेन मेडिटेशन इज समथिंग जो एक टेक्निक आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कर सकती है, आपको मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प कर सकती है। और जैसे मैं ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह आपको हमेशा बोलती रहती हूँ, ग्रैटिट्यूड लिखिए और अफर्मेशंस बोलिए, अपनी विजन बोर्ड बनाएं अपना, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। ओके, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली अगर लाइफ में कुछ अपने आप नहीं हो रहा है तो, फॉर एनी रीजंस, आपके प्लैनेट्स की वजह से, इसकी वजह से, कर्मास की वजह से, जो भी रीज़न हो, अगर लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है तो फिर हमें थोड़ा सा चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का। ओके, डेलिब्रेटली लाइफ को ठीक करने के लिए। कई बार येस आई बिलीव एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती, कई बार सही होती है एस्ट्रोलॉजी, और कुछ प्लैनेट्स हमारे ऐसे होते हैं कि हमारी लाइफ में हमें हमारी लाइफ में स्टकनेस आ जाती है, बट आप प्लैनेट से ज़्यादा पावरफुल हैं, बिकॉज आप यूनिवर्स के अंश हैं। जिस यूनिवर्स ने उन प्लैनेट्स को बनाया है उसी यूनिवर्स ने आपको भी बनाया है, और थोड़ा सा अगर आप चार्ज अपने हाथ में ले लें तो आप अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं। और प्लीज़ बिलीव इन दिस, बिकॉज ये मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इतना आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, नो मैटर आपके कर्माज, आपके प्लैनेट्स, आपकी सोल जर्नी आपसे क्या बोल रही है, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके जेमिनाइज, कुछ और कार्ड्स लेंगे, लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। ओके, ओके, वी हैव एम्ब्रेसिंग enthusiasm, शाउट टू द heavens विथ हैप्पीनेस। ओके, उसके बाद है miracles, ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल और अनअर्दी मैसेजेस दिए हैं यूनिवर्स ने। सबसे पहले है लाइफ में थोड़ा सा enthusiasm लेके आएँ, थोड़ा एक्साइटमेंट लेके आएँ, वो चीज़ें करें जो करना आपको पसंद है, थोड़ा सा खुश रहें और लाइफ में फन करिए थोड़ा सा। और सेकंड चीज़ है मिराकल, और इस मिराकल के कार्ड में लिखा है एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज, मतलब कि यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, उतनी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। इफ़ यू आर समवन जो सोचता है कि मेरी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ में मिराकल होंगे। अब कैच ये है कि आपको सिर्फ एक दिन ऐसा नहीं सोचना है, फॉर से अगर 6 सालों से आप नेगेटिव थिंकिंग में हैं और आज ये रीडिंग देख के आप सोच रहे हो कि यस मैं मिराकल्स के लिए रेडी हूँ, तो एक दिन में नहीं चेंज होगा, ये आपको डेली सोचना पड़ेगा। और यही सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के लिए मेडिटेशन होता है, अफर्मेशंस होते हैं और डेली ग्रैटिट्यूड होता है। तो जो लोग मिराकल्स में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स उनकी लाइफ में मिराकल्स लेके आते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग जेमिनाइज, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।